ए, मत जा यार। छोड़। कृष्णा, देख रहा है इसे। चल, श्रीधर यहाँ से चल। यमुना। ए, ये देख रस्सी कहाँ से आई? चुप हो जा, नहीं तो वो एक और उदाहरण देगा। यहाँ क्या हो रहा है तुझे सब पता है ना? यमुना। रोहित। यस सर। इधर आओ। रोहित, काफी देर से स्कॉट डॉग वहां भौंक रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। जी सर। कृष्णा। यस सर। जरा इधर आओ। कहाँ है भूत? भूत अंदर। भूत टीवी के अंदर से बाहर आ रहा है। ए, टीवी से भूत कभी बाहर आता है क्या? ए, डरपोक कहेगा। आओ दिखाओ मुझे कहाँ है भूत। आओ। अरे ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, कहाँ है भूत? हाय मामू, मजे में हो क्या? आज इलेक्शन कितने बजे शुरू हो रहा है? मामा बोलने के लिए मैं तेरी माँ का भाई हूँ क्या? चल भाग। क्या बे, चुपचाप चल नहीं सकता क्या? अरे पुलिस वालों को छेड़ने का मजा ही कुछ और है। तू पागल है, एक दिन बहुत दिखने वाला समझा? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए, बताइए क्या हुआ? हमारे बच्चे लापता हैं सर। जब से वो लापता हुए हैं, हम थाने के चक्कर काट के परेशान हैं सर। प्लीज हमारी मदद करिए सर। जंगल में गए हुए हमारे बच्चे अभी तक वापस नहीं आए सर। उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमारे बच्चे चाहिए सर, हमें हमारे बच्चे चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, हौसला रखिए, हौसला रखिए। मुझे यहाँ आए हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है। जो भी नया साहब आता है ऐसे कहता है, हमारी बात कौन सुनेगा साहब? कब तक थाने का चक्कर काटेंगे?
हम लोग गरीब आदमी है साहब, हमारी समस्या कौन सुलझाएगा साहब, बताइए ना साहब। जब मैं यहाँ आया तो मैंने आपके बच्चे की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है कि आपके बच्चे की हत्या किसी भूत ने की है। किसी ने ऐसे रिपोर्ट लिखी है बोलकर आप भी उसी पर यकीन करेंगे क्या सर? हमारे बच्चे जंगल से अभी तक लौटे नहीं, ऐसी हमने कंप्लेंट दी थी, लेकिन उस जंगल में जाकर वहाँ क्या हुआ ये किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। सर ये सब क्या है? उन लोगों का कहना है कि उन सबको भूत ने मारा है सर, पेपर में भी यही छपा था सर। hey, तुम्हें क्या लगा एक बार पढ़ के कचरे में फेंक देने वाली बात है ये? सर अब तक किसी भी पेपर में भूत ने ही उन्हें मारा है ऐसा नहीं छपा। सर उनके बच्चों के साथ गया हुआ एक आदमी वहाँ भूत देकर वो वहाँ से जिंदा बचकर आ गया सर। जब हमने उससे जाकर पूछा तो वो डर डर के कहने लगा कि वहाँ उसने भूत देखा, इसलिए कोई भी ऑफिसर उस जंगल में जाने से डरता है सर। हेलो कौन? मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये बताओ उस केस का क्या हुआ? कौन सा केस सर? अरे वो जो जंगल में चार पांच लड़के गए थे ना वो केस। सर उन्हें भूत ने मारा है ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है। ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? जंगल में जाके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ हुआ क्या है, इसके बजाय आप वहाँ भूत है बोल रहे हैं। फालतू लोगों की बातों पे विश्वास करते हो? आज के बाद से अगर कोई मर जाएगा ना तो उसे भूत की कहानी सुना के फाइल क्लोज करके हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिएगा। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली उन चारों में से एक लड़का जो बच के आया है वो भी यही कह रहा है सर। देखिए भूतों की कहानी सुना के आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, सारे ऑफिसर ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा। उस लड़के से मिले थे क्या आप? नहीं सर। जंगल में हुआ क्या था उसकी सच्चाई पता लगाई आपने? नो सर। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, लोगों को जब तकलीफ होती है तो या तो लोग मंदिर में जाते हैं या हमारे पास आते हैं। अगर अब हम लोगों का काम नहीं कर सकते तो हमें सरकार में रहने का कोई मतलब तो है नहीं। जाइए और उन सबको समझाइए, उनसे कहिए कि हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ में है, हम आपको न्याय दिलाएंगे। और सबसे पहले आप यही काम कीजिए और तीन दिनों में ये मैटर क्लियर चाहिए मुझे। ओके सर। ओके देखिए प्लीज आप लोग रोइए मत, मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, दो तीन दिन में मैं आपको खबर कर दूंगा, अब आप लोग जाइए। साहब अगर हमारे बच्चों को नहीं बचाया तो हम जहर खाकर अपनी जान दे देंगे साहब, लेकिन अब थाने का चक्कर नहीं काट सकते, अब हिम्मत नहीं है साहब। चलता हूँ साहब, चलता हूँ, चलता हूँ साहब। इधर आओ। सर वो जो आदमी जंगल से बचकर आया है क्या आप उसे जानते हैं? हाँ सर मैं जानता हूँ सर। हाँ सर मैं भी जानता हूँ और उसके घर का पता भी जानता हूँ। हाँ। उसके साथ एक लेडीज भी थी ना? हाँ सर थी। हाँ। चलो ठीक है यमुना को भी साथ ले लो। ओके सर। चलिए सब लोग गाड़ी में बैठिए। रमेश गाड़ी स्टार्ट करो। ओके सर। कहाँ जा रहे हैं?
बहुत बड़ा पागल है तू। मुझे क्या पता, चल देखते हैं। क्या किया जाए? वो घर चलते हैं सर। हाँ सर, प्रकाश के घर भूत से बचकर जो जंगल से भाग कर आया है ना, उस लड़के से जाकर पूछते हैं। आप भी सुन लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा सर। हाँ सर। यहाँ भी जितने भी ऑफिसर्स आए सबने यही किया क्या? आप भी यही कीजिए सर। सभी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और उसकी बातें सुनते हैं और ट्रांसफर लेकर चले जाते हैं। शट अप नॉनसेंस। पहले उसे हमें किसी भी तरह से कन्विंस करके जंगल में लाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल का रास्ता वही जानता है। अगर वो हमारे साथ आए तो इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद मिलेगी। नहीं सर, वहाँ पर भूत है ये पूरे गांव का कहना है। यकीन नहीं है तो चलिए उन्हीं से पूछ लीजिए। ए, लोग तो हजारों तरह की बातें करते हैं, हमें उन पे भरोसा करना है ही नहीं, हमें सोचना है। आंखों देखी बातों पे भरोसा करना चाहिए, सुनी हुई बातों पे नहीं। चलो पहले हमें उस लड़के से बात करनी होगी। सर, सर मैं नहीं आ रहा हूं सर। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगले महीने हमारी शादी है, पिछले हफ्ते हमारी मंगनी भी हो गई। मैं नहीं आऊंगा सर। ठीक है, उससे मेरी बात करवाओ। आपको यकीन नहीं हो रहा सर? हाय डियर, क्या चल रहा है? सुनो मेरे सर को तुमसे कुछ बात करनी है, लो बात करो। हेलो वेंकी, बात क्या है? हेलो। हेलो, मे नो योर गुड नेम? दीपिका। नाम में भी गुड बैड होता है क्या? If I am not wrong, you and Venki getting married next month, right? Yeah, we are in love. We're already engaged. Anything serious? Nothing like that. A group of people went into the forest and they are missing. You're aware of this news, right? Yeah, it's very sad. I read in the newspaper. Okay, now Venki is scared come to forest for the investigation. But I'm wondering, how will he safeguard you in future? Is it? I really can't believe this. Venki ko phone dijiye. Main baat karti hoon usse. तुम इतने डरपोक हो, मुझे पता नहीं था। एक पुलिस वाले होकर जंगल में जाने के लिए मना कर रहे हो। अगर कल को मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो तुम क्या करोगे? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जाओ अभी अपनी जान की बाजी लगाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। नहीं तो शादी कैंसिल। सर, आई कम सर। कम। अरे वेंकी, तुझे इंग्लिश आती है क्या? अभी सर की सुनकर सीख लिया। वाह वाह वाह, तू तो बहुत फास्ट है यार, हमें सॉफ्टवेयर वाली लड़की के बारे में बताया भी नहीं। चुपचाप चल यार, वैसे ही भूत की पिक्चर देखकर हालत खराब हो गई, ऊपर से तू। तू डर मत वेंकी, तेरी शादी होकर ही रहेगी, क्योंकि प्रकाश जंगल में आने के लिए कभी नहीं मानने वाला। बस यहीं पर रुक दो सर। प्रकाश का घर यहीं पर है। ठीक है, जाके लेके आओ उसे। ओके सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम फूड एंड हेल्थ में। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय हिमानी हेल्दी एंड टेस्टी सनफ्लावर ऑयल। तो हम आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं प्रकाश, जिससे प्रकाश काफी बीमारियां दूर होती हैं, जिसके सेवन से काफी लाभ मिलता है। तो आज हम उन्हीं लाभ और उन बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। आइए प्रकाश। और चलो, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। सर क्यों बार बार आकर मेरे बेटे को परेशान करते हैं आप? भगवान के लिए हमें चैन से जीने दीजिए साहब। चंदन जी, हम आपको यहाँ परेशान करने नहीं आए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को वापस भेज देंगे। हमारा एक ही बेटा है सर, भगवान के लिए उसे मत ले जाइए, आप चले जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बड़ी मुश्किल से वो बच कर आया है। प्रकाश प्लीज चले जाइए, हमें बार बार परेशान मत कीजिए सर। अगर हमारे बेटे को कुछ चिंता हो गया मत करिए माँ जी, हम इसे वापस भेज देंगे। सर।
प्रकाश को पुलिस वाले कहाँ लेकर जा रहे हैं? नए नए साहब आते रहते हैं और प्रकाश को लेकर जाते रहते हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। रमेश गाड़ी साइड में लगाओ। प्रकाश तुम मेरे साथ हो, आप लोग यहीं रुकिए। ओके सर। देखा उसे कैसे बाल दाढ़ी बढ़ाकर जंगली जैसा लग रहा है। लगता पहले जंगल में ही रहता था। नहीं यमुना, जब से ये जंगल से आया है ऐसा ही है। बाप रे, खुद ही भूत जैसा लग रहा है, देखकर डर लगता है। वेंकी, अगर ये प्रकाश कहीं जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया तो? पहले साहब को उनकी कहानी सुन लेने दो, फिर वो देखो कैसे डरते हैं। पर अगर वो नहीं डरा तो? मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है मेरे भाई? बस देखते जाओ क्या होता है। प्रकाश, मुझे कुछ जरूरी बात जाननी है। कौन सी बात सर? उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मुझे 3 दिनों के अंदर उस जंगल के लोगों के साथ क्या हुआ ये रिपोर्ट तैयार करनी है, और हाई अथॉरिटी ने मुझे इतना ही वक्त दिया है विथ ऑर्डर, सो आई मस्ट डू इट। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, तुमने पुलिस को बताया कि उस जंगल में भूत है और उस भूत ने तुम्हारे दोस्तों को मारा और तुम उससे बच करके बाहर आ गए। बट आई डोंट बिलीव प्रकाश, आई डोंट बिलीव। प्रकाश, इस दुनिया को इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से हमेशा बदलता ही जा रहा है। वो अपने काम में भूत और भगवान दोनों को शामिल कर रहे हैं। तुमने भी सुना होगा या फिर टीवी पे देखा होगा, भगवान के नाम पर आजकल कितनी लूटपाट चल रही है, फिर भी लोग उन पे भरोसा करते हैं। यही मेन प्रॉब्लम ही यही है। हम कहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन तुम लोग बोलते हो है। मैंने अब तक भगवान को तो नहीं देखा है, पर भूत को देखा है। कैसा था वो भूत? बहुत ही अजीब था सर, याद करता हूं तो अभी डर लगता है। जैसा इंग्लिश फिल्मों में दिखाते हैं वैसा था क्या? हाँ सर, वैसा ही था। प्रकाश, तुम्हारी बात सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, भ्रम में जीना बंद कर दो। सर वो यही बात है प्रकाश, इंसान कल्पना में जीता है। वो जिस चीज की कल्पना करता है उसे वही चीज दिखाई देती है। भगवान को याद करता है तो भगवान दिखते हैं, भूत के बारे में सोचता है तो उसे भूत दिखाई देते हैं। सो यही चीज तुम्हारे साथ भी हुई होगी। तो फिर मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ होगा सर? वही पता करने के लिए हम यहाँ आए हैं। उस जंगल के लोग कहाँ गए और ये सिर्फ तुम्हें ही पता है। अगर तुम साथ चलोगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद मिलेगी। नहीं सर, एक बार तो किसी तरह मौत के मुंह से बचकर आया हूँ, फिर से वहाँ गया तो मैं वापस आऊंगा या नहीं इसका भरोसा नहीं है। ओके प्रकाश, जिसने तुम्हें देखा अगर वो भूत ही है तो उसने तुम्हारे दोस्तों को मार के तुम्हें क्यों छोड़ दिया? भूत की ताकत तो जानते ही हो ना। जैसा कि तुम वहां से भागे, वो तो तुम्हारे सामने आकर के तुम्हें आसानी से मार सकता था ना, तब क्यों नहीं मारा सर? हाँ प्रकाश, अगर वो सच में भूत होता तो वो यही करता। मतलब वो भूत नहीं है, उस जंगल में जरूर कुछ ना कुछ है। वहां कुछ गड़बड़ चल रही है, या फिर तुम्हारे दोस्तों को किसी जानवर ने मार खाया होगा। ये भूत प्रेत वाली कहानियां बिल्कुल झूठ है। प्रकाश, मुझे भूत और भगवान दोनों पे विश्वास नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि तुम भी विश्वास मत करो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बात बताना चाहता हूं कि मैं इससे पहले कई सारे गांव में काम कर चुका हूं। ऐसे न जाने कितने भूतों के केसेस मैंने आसानी से हैंडल किए हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि मारने वाला भूत नहीं है बल्कि कोई इंसान है। सो मेरा मानना है कि तुम्हारे दोस्त के साथ भी यही हुआ होगा। एक बार सोच लो प्रकाश, अच्छी तरह से सोच लो। आपकी बात भी सच हो सकती है सर, लेकिन अगर मैं वहां गया और मुझे कुछ हो गया तो? इसी डर की वजह से लोग इसका फायदा उठाते हैं, और जब लड़का लड़की किसी जंगल में ट्रिप बनाने के लिए जाते हैं तो लोग उनकी हत्या करके उनके जेवर और पैसे लूट लेते हैं, और साथ ही लड़की के साथ गलत काम करते हैं और उनकी लाशों को कहीं दफना देते हैं, और लोगों को ये लगता है कि ये काम भूतों ने किया है, और इंसान के जहन में भूत का डर समा जाता है। तुम्हारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जरा सोचो प्रकाश, एक बार ध्यान से सोचो, उस पे भरोसा करो। हम सब मिलकर तुम्हारे दोस्तों को इंसाफ दिलाएंगे और तुम्हें सुरक्षित वापस लेकर के आएंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है सर, आप पर भरोसा करके मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। चलो। कहीं ये पागल प्रकाश जंगल में आने के लिए मान तो नहीं गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब हम क्या करें? उनके साथ हमें भी जाना होगा, और क्या, हम कुछ नहीं कर सकते।
प्रकाश हमारे साथ जंगल में जाने के लिए रेडी है, सो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यस सर। ए, हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमारा ख्याल सरकार रखेगी। वो पीछे पलटकर हमें देखेंगे भी नहीं। What discussion? हमें बलि का सर, जो लड़के जंगल गए हैं हम उन्हें कहां पर ढूंढेंगे और कैसे पता चलेगा? गुड सिद्धार्थ। वैंकी, कंट्रोल रूम में फोन करके स्क्वाड डॉग्स भेजने के लिए कहो। ओके सर। पहले ही मना कर देते तो अच्छा होता, अब फंस गए बेकार में। सर वो भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां पर आना है। प्रकाश, वो जंगल कहां है, कैसे पहुंच सकते हैं हम वहां? सर कालीपुर से जाना होगा। कालीपुर, ये कहां है? यहां से थोड़ी दूर जाएंगे तो सोमपुर आएगा, उसके करीब माया नगर है, वहां से थोड़ी दूर पर ही कालीपुर है, उस गांव के दूसरी तरफ में वो जंगल है। सोमपुर के पास माया नगर है, वहीं से थोड़ी दूर पे कालीपुर है, वहीं आने के लिए बोलो उन्हें। ओके सर। सोनपुर के पास एक माया नगर है, वहां से थोड़ी दूर आप आएंगे तो आपको कालीपुर मिलेगा, आप वहां पर आ जाइए जल्दी से। सर वो लेकर आ रहे हैं सर। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो सब लोग। सर यही कालीपुर है। गाड़ी रोको। लो ये डॉग्स तो हमसे पहले पहुंच गए। थैंक यू। सॉरी सर। सर, हेलो सर, कृष्णा। सर, आई एम रोहित सर। हेलो। हेलो यमुना। प्रकाश, हाय। जंगल तक हम कब तक पहुंच जाएंगे? सर रात हो जाएगी। ओके, रात हो जाएगी। वैंकी सर, आप शहर जाकर के हमें जो कुछ भी चाहिए वो जल्दी लेकर के आइए और आने में देर मत करिएगा, ठीक है? ओके सर। प्रकाश, तुम और तुम्हारे दोस्त इस जंगल में आए क्यों? सर मैं, मेरे दो दोस्त और उनकी दो गर्लफ्रेंड्स थी, हम सब यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं सर, मेरी मंगनी तय हुई थी पर वो कैंसिल हो। सॉरी सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम और तुम्हारे दोस्त कहाँ तक गए थे? सर हम लोग काफी दूर गए थे और फिर उसके बाद मैं थक गया और पीछे ही रह गया। ओह, जब तुम अकेले हो गए तब तुम्हें भूत नहीं दिखा क्या? प्रकाश, तुम और तुम्हारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स यहाँ आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग यहाँ से जाके कहीं और शादी कर लियो? मुझे वहाँ भूत नजर आते ही मैं वहाँ से भाग निकला, उसके कई दिनों बाद भी वो घर वापस नहीं आए, इसलिए मुझे लगा कि उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा। उनके घर वालों को उनके प्यार के बारे में पता है? नहीं सर, किसी को भी पता नहीं है। वो दोनों एक ही कास्ट के हैं क्या? नहीं सर, दोनों अलग कास्ट के हैं। प्रकाश, हो सकता है इंटर कास्ट की वजह से वो लोग कहीं भाग करके शादी करके सेटल हो गए हों, और वो लोग जब वापस गांव में आएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने पूरे गांव वालों को ये बताया कि उन्हें भूत ने मार दिया? फिर इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं सर और हम वापस चलते हैं। बकवास मत करो। सॉरी सर, इस केस को तो मैं सुलझा के रहूंगा। सर वेंकी आ गया। रमेश तुम यहीं रुकना। ओके सर। वेंकी, बैटरी टॉर्च सब कुछ लाए हो ना? हाँ सर, सब लेकर आया हूँ।
सर कोई आ रहा है सर? देख रहा हूँ। नमस्ते सर, आप नमस्ते। जंगल की तरफ जा रहे हैं क्या? हाँ। ये किताब लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। लगता है ये कोई पत्रकार है, जंगल में सर्च करने के लिए आया था लेकिन इसे कुछ वहां मिला नहीं, इसलिए वापस जा रहा है। ये बुक पकड़िए। जी सर। ये पत्रकार है क्या? ये जंगल तो मुझे बिल्कुल नर्क जैसा लग रहा है। हम वापस घर जा पाएंगे ना? हेलो, हम पुलिस वाले हैं, वापस जरूर जाएंगे। ओ मेरी बहन है यमुना, भूतों के लिए पुलिस और आम जनता सब बराबर है, उन्हें सिर्फ मारना आता है। चुपचाप चलो मेरी बहना। ठीक है मेरे भैया। प्रकाश, और कितनी दूर है यहाँ से? और थोड़ी दूर है सर। प्रकाश, ये कपड़े तुम्हारे दोस्तों के हैं क्या? नहीं सर, ये कपड़े उनके नहीं हैं। ओह आई सी। यमुना, इसे कलेक्ट कर लो। ओके सर। यार ये लड़कियों की चीज लड़कियों को क्यों मिलती है, लड़कों को क्यों नहीं मिलती? तुम लोग जरा आंख खोल कर यहाँ वहाँ देखो, फिर तुम लोगों को भी मिलेगा। नहीं बहना, अब औरतों की चीजों से दूर रहने में ही भलाई है। वैसे भी मेरी अगले महीने शादी है, अगर मेरी मंगेतर को शक हुआ तो वो बिना शादी करे ही तलाक दे देगी। अरे वेंकी, तू कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? हिंदी। आई एम हियर सर, डीप इन्वेस्टिगेशन सर, आई कम सर। इस जंगल में इतने अंधेरे में कौन कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ऊपर से डॉगी, पता नहीं क्या सूंघ रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, ऊपर से प्रकाश कहाँ ले जा रहा है कुछ पता नहीं। हे भगवान, बचाओ सर, बचाइए सर, सर मेरा भूत केला काट रहा है सर। हे पागल हो क्या, ये पेड़ की डाल है, जबरदस्ती डर रहा है, चलो।
क्या वेंकी भाई, खुद भी डरते हो और हमें भी डराते हो। हाथ में टॉर्च है ना, देख कर चलना चाहिए ना। आओ चलो। देख कर ही चल रहा हूँ, तभी तो यहाँ डर के फंस गया। हटो, मुझे आगे जाने दो, मैं आगे चलूंगा। क्या मुसीबत है? हे राम, हे कृष्णा, हे शंकर, हे हनुमान, बचा ले भगवान। सर, लगता है वेंकी को कुछ मिला है। यहाँ से सांप गया सर, यहीं कहीं होगा सर। उस पर पैर मत रखिए सर, साइड से चलिए सर। सर, जब इंसान अपने घर से बाहर जाता है और बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशगुन होता है, और सांप अगर रास्ता काट दे तो खतरा होता है। सांप यहीं कहीं आगे होगा सर। क्या है ये, पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम इन चीजों पे विश्वास करते हो? इसे अंधविश्वास कहते हैं, समझे ना। सर, आपके लिए अंधविश्वास होगा, पर हम लोग इस पर विश्वास करते हैं सर। जब देखो तब नई नई कहानियां सुनाता रहता है, क्या आदमी है ये। चलो। मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। भाई वेंकी, ना तुम्हारी हाइट है ना वेट है, एक नंबर का डरपोक हो, पुलिस कैसे बन गए? रेकमेंडेशन। सर, वहां कुछ सफेद सा नजर आ रहा है, अपने डॉग्स भी वही देख करके भौंक रहे हैं। चलो देखते हैं। प्रकाश, तुम लोग यहाँ पे आए थे क्या? नहीं सर, हम यहाँ पर नहीं आए थे। देखो प्रकाश, यहाँ जरूर बहुत सारे लोग आके गए हैं, यहाँ दारू पीकर मजे कर चुके हैं, मतलब यहाँ काफी लोग आ रहे हैं। इससे एक बात तो पता चलती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या लगता है? सर, ये जगह बहुत ही दूर है, लोगों का यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। यमुना सर, इसे भी कलेक्ट कर लो। ओके सर। यमुना, एक मिनट रुको। एविडेंस खराब मत करो। यमुना ये लो। तू अब ये वेंकी फुल जॉकी बन गया। अच्छा है। सर, मुझे एक मेन एविडेंस मिला है, इसे भूत ने पक्का यूज किया होगा। सर, तुम्हें पुलिस वाला किसने बना दिया यार? रिकमेंडेशन सर। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर पुलिस वाले तो एक भी गुण है नहीं, हर बात पे डरते रहते हो, हमेशा कहीं ना कहीं फंसते ही रहते हो। एटलीस्ट पुलिस की भर्ती से आए होते तो कम से कम तुम्हारा दिमाग तो चलता। हद है यार। सर वो चुपचाप मेरे साथ आओ। कहीं भूत ने किसी लड़की का रेप तो नहीं किया? ए वेंकी, कोई हेलमेट पहन कर रेप करता है क्या? ऐसा आदमी है। डॉग पकड़ने वाले मुझे राय देने लगे। यमुना ये रख लो, आगे काम आएगा। यहाँ कुछ है सर। सर, खजाना होगा सर, अगर खजाना मिल गया तो जिंदगी भर। सर, यहाँ पे कुछ है, यहाँ खोदने पर कुछ क्लू मिल सकता है सर। श्रीधर। सर। वेंकी, खोदो यहाँ।
बाप रे, अब और खोद नहीं सकता। ये मिट्टी मुझ पर डाल और मुझे यहीं गाड़ दे, अंदर आराम से सो जाता हूँ। ए वेंकी, उठ जा ना यार, बस थोड़ा सा ही बाकी है। हाँ। उठ जा, चल। सर, इतना खोदा फिर भी कुछ नहीं मिला। सर सर, आपको अब भी लगता है यहाँ कुछ है? देखते हैं, स्क्वाड डॉग्स ने सुंग के कुछ सिग्नल दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आई फील देयर इज समथिंग। मेबी। सर, ये कचरा खाने वाले डॉगी हैं सर, इनको सिर्फ दो ही चीजें पता हैं, एक तो जो मिले वो खाना, दूसरा टांगे उठाकर सूसू करना। तो फिर रोहित, इसका मतलब इन डॉग्स ने हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है सर, लेकिन लगता है यहाँ कुछ रॉन्ग जरूर है। फिलहाल रॉन्ग तो हमारा टाइम चल रहा है, इन डॉगीज की बात सुनकर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। शट अप वेंकी, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? मूव। यमुना, इन डॉगीज को और अपने साहब को इस गड्ढे में गाड़ देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन बंद। फिर थाने में जाकर बोल दें कि साहब को भूत ने मार दिया, फिर ये पूरा टेंशन खत्म। क्या बोलते हो? अगर ये बात साहब ने सुन ली ना, तो इसी गड्ढे में तुझे जिंदा गाड़ देंगे। बोलो रमेश, लौटने में और कितना टाइम लगेगा सर? हमें आने में देर हो जाएगी, तुम जा सकते हो। ओके सर। वेंकी वेंकी। हाँ, क्या हुआ? वेंकी, हम लोग जो इस जंगल में काम कर रहे हैं उसकी एक फोटो निकालते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम लोग हमारे काम, हमारी मेहनत, हमारे इन्वेस्टिगेशन की सारी फोटोज टीवी वालों को देंगे। ए वेंकी, मेरी भी एक फोटो लो ना। अरे इतनी सी बात, अभी लेता हूँ। प्रकाश, यहाँ मिली हुई चीजों को देखकर लगता है यहाँ आने वाले लोग एक दूसरे के साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं ना? हो सकता है सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कहाँ पर है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हम जिस जिस जगह गए, जो भी चीजें छोड़ी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ प्रकाश? ऐसा लगा कोई है। अरे नहीं, उन लोगों ने टॉर्च मारी होगी। वेंकी एक मिनट। हेलो मैडम, गड्ढा हमने खोदा और फोटो तुम खिंचवा रही हो? अरे जिस तरह घर बनाता कोई और है ना, और गृह प्रवेश कोई और करता है ना, ये उसी तरह। ओ, अच्छा है। ए वेंकी, प्लीज फोटो खींचना। यार वेंकी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था ऐसा होगा, इसीलिए मैं खाना अपने साथ लेकर आ गया। अच्छा, थैंक यू वेंकी, जान बच गई यार मेरी। रशिया यूक्रेन के युद्ध की तरह मेरे पेट में बम फट रहे हैं यार, जल्दी से दे दे यार। ये ले। यमुना, खाना। डॉग्स के लिए खाना नहीं लाया? मैंने अपने बाप को खाना नहीं खिलाया, इन्हें खिलाऊंगा क्या? हेलो डॉग, अगर तुम लोग सच में स्कॉट्स हो तो इस जंगल में किसी भी जानवर या पक्षी का शिकार करो और अपनी भूख खुद मिटाओ। जाओ जाओ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रोहित, तुम्हारे डॉगीज छोटे पिल्ले नहीं है, जहाँ भी जाएंगे खुद वापस आ जाएंगे। योर डॉग्स आर मैड। 5 मिनट रुको, देखना कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए फिर से भौंकेंगे। खाना खाओ, खाना खाओ, सब आराम से खाना खाओ। हाँ, ठीक है। हमारे आसपास कुछ तो ऐसा है जिसकी स्मेल आ रही है। ए, भाजी का स्मेल आ रखा। डीप इन्वेस्टिगेशन की है आज हमने। भूख लगी है ना, तो चुपचाप खाना खा। पानी का सिर्फ एक ही बोतल बचा है, थोड़ा थोड़ा पीना और हाथ पेपर से पोंछना। हाँ, ठीक है ठीक है। खाना हो गया, अब गाना। ए, क्या चल रहा है यहाँ?
ये डॉग्स हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। टॉर्च दो। कृष्णा अपने डॉग्स बहुत भौंक रहे हैं, जल्दी चलो। सोनी कम, सोनी कम कम, सोनी डेफिनेटली यहां कुछ है सर। वेंकी श्रीधर खुद हो यहां। नहीं खिलाया इसीलिए हमारा खाना हजम करा रहे हैं। सर सर यहां पर कपड़ा है। प्रकाश ये कपड़े तुम्हारे फ्रेंड्स के हैं क्या? नहीं सर, मेरे दोस्तों ने जींस और टी शर्ट पहना था। देखा प्रकाश, तुम लोग की तरह यहाँ काफी लोग आए हुए हैं। कोई उनका खून करके कपड़े यहाँ छुपा देता है और लाशों को कहीं और दफनाता है। कोई इस तरह से मर्डर कर रहा है और तुम लोग को लगता है कि ये सब भूत कर रहा है, और लोगों को भी इस तरह की मनगढ़ंत कहानी पे विश्वास हो गया है। तुम्हारी बातें सुनकर के कोई पुलिस वाला भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आता है यहाँ, और अगर कोई आता भी है तो उन्हें कोई क्लू ना मिले इस तरह से मर्डर उन्हें मिसगाइड करता है। मैं भी देखता हूँ वो हमें कब तक मिसगाइड करता है। आखिर सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगा मैं। बापरे सर, सर क्या हुआ? वहाँ गड्ढे में कुछ है सर, मैंने अभी देखा सर, वहाँ कुछ है सर। कहाँ है बताओ? कुछ भी नहीं है यहाँ, ये यह पहले से ही ऐसा कर रहा है। चलो डरने की जरूरत नहीं है, चलो। वेंकी तुमने वहां क्या देखा बताओ ना प्लीज। ये सुनसान जगह है, यहाँ हम कुछ भी देखेंगे तो डर तो लगेगा ही ना, और वैसे भी उस गड्ढे में कपड़े ही तो मिले हैं। रात के टाइम बेकार में कुछ भी सोचकर अपने दिमाग में इस तरह से डर मत लाओ, ओके? नहीं यमुना मेरी बात मानो, मैंने उस गड्ढे में सच में किसी को देखा था, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ सर। जाओ श्रीधर, मुझे कालीपुर तक छोड़ दोगे क्या? एए, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ, समझे ना? तुम यहाँ सबको डरा दोगे। पुलिस वाला नहीं है फिर भी ये कितना हिम्मती है। चलो जाओ। रिकमेंडेशन पे आए हुए लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें बस सरकारी काम चाहिए होता है जिससे लोगों को बता सके कि ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सर, 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 सर,
वेंकी सर, क्या हुआ सर? वेंकी कहाँ हो सर? सर सर सोनी, क्या हुआ सोनी? सर डैनी सर, भेज दीजिए सर। भेज दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें कोई डरा रहा है और मैं उसे पकड़ के रहूंगा। ये देखो, इस घर में लालटेन जल रही है। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, ये जान के वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने यहाँ लालटेन जला दी। ये सब वही लोग कर रहे हैं। देखो तुम लोग डरो मत समझे, वो तुम्हें डराना ही तो चाहते हैं। हम जल्दी उनका पता लगा लेंगे। श्रीधर, वेंकी को तुम सुबह तक शहर छोड़ देना। चलो अब सब लोग यहीं रुक के आराम करते हैं।
थू, तुम्हें क्या सोचकर बुलाया था और तुम बच्चों की तरह पेशाब कर रहे हो। थू, अब कपड़े तो पहनो। जब कुछ नहीं कर सकते तो आए क्यों? चलो। वेंकी, कहाँ गए थे तुम? सर, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया यार? आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सर, मुझे लगता है ये सब कुछ यही कर रहा है। वेंकी, इधर आओ। Are you okay? नहीं सर, सर यहाँ अजीब सी आवाजें आ रही हैं सर। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो मैं जाके काट दूंगा। चलो जाओ, जल्दी रस्सी काटो। सर, रस्सी काटने के लिए कुछ नहीं है सर। ठीक है सर। इमली का पेड़ है। हाँ, सर, ये इमली का पेड़ है सर। हाँ सर, तो क्या हो गया? सर, इमली के पेड़ पे भूत होते हैं सर। उसी भूत ने हमारे डॉग को पेड़ पे टांगा होगा सर। ए, तुम्हें इस पेड़ के बारे में क्या पता है? ज्यादा बकवास मत करो। इमली का पेड़ सुबह के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके अपने लिए आहार पैदा करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। रात में यह ऑक्सीजन अंदर लेता है, लेकिन इंसान को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए इंसान जब भी इमली के पेड़ के नीचे आता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए उसका दम घुटने लगता है। इसीलिए रात को इमली के पेड़ के पास इंसान को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसे भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके बोल दिया कि इमली के पेड़ पे भूत रहता है, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से भूतों की नई नई कहानियां भी रच डाली। बी प्रैक्टिकल यार। तो फिर हमारे डॉग को ऊपर किसने टांगा? देखो, जंगलों में लोग जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछा करके रखते हैं, और इसी वजह से उस जाल में हमारा कुत्ता फंस गया। बस इसे कोई भूत भूत का काम मत समझो। चलो, आगे की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।
क्या यार, सर ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? क्या यार, तुझे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता है? ओ अच्छा, ए हमारे डॉग्स वहां भौंक रहे हैं। सर वहां आग नजर आ रही है, लगता है हमारे डॉग्स वहीं पर हैं। कृष्णा, हमारे डॉग्स नहीं दिख रहे हैं, कहां गए होंगे? सर नहीं सही, डोंट वरी, आई नो हु हैज डन दिस। क्या हुआ? सर डर लग रहा है। इधर आओ। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। देखो डरो मत, हाँ डर इंसान को कमजोर कर देता है। But one major thing I can tell you by saying all this. सर, हिंदी में बोलिए सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी डर की वजह से मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं हर चीज प्रैक्टिकल के रूप में देखता हूँ, बट तुम लोग जो देखते हो तुम्हें लगता है कि वो सब भूत ने किया है। अब तुम बेवकूफों को मैं क्या समझाऊं? प्रकाश, जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तब तुमने ये सारी घटनाएं देखी थी? नहीं सर। मतलब ये सब तुम अभी देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या ये सब भी भूत ही कर रहा है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आग और उसके चारों तरफ खोपड़ियां, ये सब भूत करते हैं क्या? इंसान करते हैं? यहां पर कुछ तो अजीब चल रहा है। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं यहां का राज पता लगाऊंगा। होप होनी चाहिए। होप किस तरह की होप? फेल हो जाएंगे पता है, फिर भी एग्जाम देकर के सोचते हैं पास हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही, सही है ना सर? वाह 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 वाह, बेकार की बातें अच्छी तरह से कर लेते हो और तुम्हें डर भी बहुत जल्दी लगता है, बस यही दो चीजें आती है तुम लोग को। सर ऐसी जगह पे रह के होप कहां से आएगी? सर देखो मेरी बात सुनो, यहां कुछ भी नहीं है, ये एक जाल है। प्लीज तुम लोग प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल होकर के सोचो, प्रैक्टिकल ढंग से बात करो, प्रैक्टिकल ढंग से जांच करो। प्रैक्टिकल मतलब? प्रकाश है ना? है ना? हाँ है सर। रोहित है सर। वैंकी है सर। कृष्णा ये भी है सर। श्रीधर ये भी है। यमुना है सर। भूत यमुना, आग में खोपड़ी के तपने से खोपड़ी फट गई। ठीक से सुनो यमुना, क्या कह रही है उसे समझो। क्या यमुना? आग में खोपड़ी के तपने से खोपड़ी फट गई। सर मुझे भी यही लगा था, लेकिन सब लोग भागे ना तो मैं भी भाग गया। अगर सब लोग जानते हो तो फिर आवाज सुन के भाग क्यों गए? सॉरी सर, अब हम आपके साथ रहकर आपकी पूरी मदद करेंगे सर। हाँ सर। हाँ सर। थैंक्स। चलो आग बुझा दो, अगर ये आग ज्यादा बढ़ गई तो पूरे जंगल को जला। ओके सर। ओके सर। सर ये सब देखकर लगता है इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। आग जलाना, उसके चारों तरफ खोपड़ी रखना, वहां पेड़ पर डॉग को रस्सी से बांधना और घर में लालटेन भी जल रही थी, पक्का किसी इंसान का ही काम है सर। करेक्ट रोहित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो। तो क्या है सर, अगर वो भूत होता तो ना उसे आग की जरूरत होती और ना ही रस्सी की, वो सारी चीजें अपनी शक्ति से ही कर लेता सर। भागो,
सर। भागो यहाँ से। भूत, भूत, भूत बचो। रोहित, भागो यहाँ से। मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। मुझे कोई बचाओ। श्रीधर, आराम से, आराम से, उठो, आराम से। उठ जाओ, उठ जाओ। अरे तुम्हें, तुम्हें देखकर भागना चाहिए ना? मैं इतने अंधेरे में कैसे भागूंगा? कुछ ही दिखना तो चाहिए ना। अच्छा ठीक है जाने दो, चलो चलते हैं। पर हमें जाना कहाँ से है? ए, प्रकाश कहाँ है? उसे तो रास्ता पता है ना? ए, अपने सर कहाँ चले गए? प्रकाश को यहाँ के सारे रास्ते पता हैं, इसीलिए उसके साथ गया है। उसने हम सबको धोखा दिया है, उसने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हम सब ने मना किया था, हजार बार समझाया था, यहाँ कुछ है, यहाँ से बाहर चलते हैं, पर किसी ने बात ही नहीं सुनी। उसने कहा मैं राज का पता लगा लूंगा, ये बोलकर हम सबको यहाँ लाया, और अब खुद हमें छोड़कर प्रकाश के साथ यहाँ से भाग गया, और हम लोगों को यहाँ इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ यमुना का क्या होगा यार? अबे पागल, तू उस घर के पीछे उसके साथ क्या कर रहा था? मैंने सब देखा, हर एक चीज का सही समय होता है, तू जंगल में शुरू हो गया। अरे यार, मैं और यमुना जब हम बाहर गए थे ना, तो मैंने किसी को तो देखा था। वक्त मुझे बताना चाहिए था ना? अगर मैं कुछ बताता तो वो ऑफिसर अपनी कहानी शुरू कर देता, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। हे, लगता है अपने सर हैं, प्रकाश के साथ नहीं गए हैं, वो भी यहीं पर हैं। लगता है डर के मारे हमसे पहले यहाँ पर आकर के छुप गए हैं वो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े ताव से बोल रहे थे, अब देखो। अब उन्हें पता चला होगा कि डर क्या होता है। चलो सामने जाके बात करते हैं, आ जाओ। सर, 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 मत जाओ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस चलो यहाँ से। टॉर्च बंद हुई इसलिए डरो मत, हमारे आने की आवाज सुनकर सर ने सोचा होगा कोई और आ रहा है इसलिए टॉर्च बंद कर दी होगी। चलो देखते हैं, आ जाओ। सर, 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 हम लोग हैं सर। मुझे तो कोई और ही लग रहा है। एंकी, रोहित, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ एंकी, क्या हुआ तुम, क्या हुआ? सर, 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 यहाँ क्या हो रहा है सर? वहाँ भूत है। कहाँ पे? सर, सर, वहाँ पर बैठी है, वहाँ देखिए सर, वहाँ, वहाँ पर सर। चलो देखते हैं। आइए सर, आइए। कौन है वहाँ? कौन बैठा है वहाँ? जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। प्रकाश, सर, प्रकाश, मैं नहीं आऊंगा, कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा बोलकर हम इसे यहाँ लेकर आए, लेकिन देखिए सर, हम इसे नहीं बचा पाए सर। यमुना की आवाज है सर। ये कौन है सर? Thank you.
ए, मत जा यार। छोड़। कृष्णा, देख रहा है इसे। चल, श्रीधर यहाँ से चल। यमुना। ए, ये देख रस्सी कहाँ से आई? चुप हो जा नहीं तो वो एक और उदाहरण देगा। यहाँ क्या हो रहा है तुझे सब पता है ना? यमुना। रोहित। यस सर। इधर आओ। रोहित, काफी देर से स्कॉट डॉग वहां भौंक रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। जी सर। कृष्णा। यस सर। जरा इधर आओ। सर। कृष्णा, तुम वेंकी के फोन से तुम यमुना के घर वालों से बात कर लो। सर। डर क्यों रहे? उन्हें कुछ बताना मत, बस ये कहना कि वो सुबह तक घर पहुंच जाएगी। तुम्हारे फोन से उन्हें तसल्ली मिल जाएगी, सुबह तक हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ठीक है? ओके सर। रोहित। सर। कम। वेंकी, अपना फोन दे, यमुना के घर पे फोन करना है, सर ने बोला है। फोन लगा के देना। क्या हुआ? सिग्नल नहीं मिल रहा यार। सिग्नल नहीं मिल रहा मतलब हमारा यहाँ से जाना मुश्किल है। चुप हो जा श्रीधर। पहले प्रकाश गया और फिर यमुना, अब बारी हमारी है, अब तो हमें भगवान ही बचा सकते हैं। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, हमारी रक्षा कर। हम लोगों का बचना मुश्किल है वेंकी। चलो निकलो। ये प्रकाश की आवाज है ना? नहीं यार, मेरी बात सुनो, तुम वहां पर मत जाओ, प्रकाश मर चुका है। नहीं यार, तुम्हारा नहीं था, लगता है शायद गिरकर चोट लगने के कारण बेहोश हो गया होगा वेंकी, और शायद अब उसे होश आया होगा। देखो बुला रहा है, देख देख आवाज आ रही है। कृष्णा, चलो चलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्यों, तुम लोग नहीं आओगे? मैं नहीं आ रहा हूँ। चलो ना यार, ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, प्लीज यार चलो ना। ए, ए, वेंकी चल, चलते हैं हम लोग। प्रकाश। अरे ये क्या, प्रकाश तो अभी इधर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। प्रकाश, तुम कहाँ हो? प्रकाश, जहां पर भी हो वापस आ जाओ, हम यहीं पर हैं। आ, 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 आ,
कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा, श्रीधर, क्या हुआ? श्रीधर, कहाँ हो तुम लोग? सर, सर, क्या हुआ? यमुना कहाँ है? अरे, यमुना यमुना नहीं है सर, वो हमारी मौत बन चुकी है सर। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? सर, मैंने यमुना के घर फोन लगाया पर सिग्नल नहीं मिला सर। हम उसके पास बैठे हुए थे, उसने हम तीनों को लात मारी सर, फिर हम लोग वहां से भाग निकले। प्रकाश हमें बुलाने लगा था सर। What? हाँ सर, जब हम प्रकाश को देखने गए तो प्रकाश वहां नहीं थे सर, सिर्फ टॉर्च पड़ी थी सर, और वो भी अचानक फूट गई। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? यमुना तुम तीनों को एक साथ कैसे लात मार सकती है? तुम वहां से भागे तो प्रकाश ने तुम्हें आवाज दी। नो नो, मैंने आवाज दी थी तो यमुना ने कहा कि मैं ठीक हूँ। सर, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है सर, यहाँ से निकल चलते हैं सर। चलिए सर, इस जंगल में जान का खतरा है, चलिए सर, इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। यमुना ने बात नहीं की सर, मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई थी। और आप कह रहे हैं कि आपने उसकी आवाज सुनी है, पर मैंने नहीं सुनी, मतलब सर कुछ तो गड़बड़ है सर। यहाँ से चलते हैं सर, यहाँ से निकलने हमारे लिए बेहतर होगा सर। जाना है, जाओगे, जाओगे हाँ? कौन है तू? सामने आ मेरे, हिम्मत है तो सामने आ। गायरों की तरह पीछे से वार क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। सर पागल हो गए क्या? सामने आके वार कर, हिम्मत है तो सामने आ। चुप रहिए आप, कुछ नहीं बोलकर दो लोगों को मरवा दिया आपने, अब हमें भी मरवाना चाहते हैं क्या आप? हाँ, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? ए, मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ए, अगर तुम ऑफिसर हो तो ऑफिस में जाकर बैठो। क्या लगा रखा है, हमें जबरदस्ती इस जंगल में लेकर आ गए और हमें यहाँ लाकर फंसा दिया। मुझे यहाँ पर नहीं आना था, मेरी मंगेतर को फोन लगाकर मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। यहाँ से जाना है? अभी नहीं जाएंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करके जाएंगे। यमुना और प्रकाश यहीं कहीं होंगे, चलो उन्हें ढूंढते हैं। नहीं सर, ना ही यमुना जिंदा है और ना ही प्रकाश, हमने खुद उनकी लाशें देखी हैं और आप ढूंढने की बात कर रहे हैं सर, कोई फायदा नहीं है सर। इस जमाने में इस तरह की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो तुम लोग? हाँ, और हम अपना काम किए बगैर यहाँ से कैसे वापस चले जाएं? नो, प्लीज समझिए सर, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी पर हम लोग जरूर खत्म हो जाएंगे। hey! चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर, बस एक बार मेरे हाथ लग जा, तेरी हड्डियां तोड़ के तुझे जेल में सड़ाऊंगा। चलो हम लोग चलते हैं। हिम्मत है तो एक बार मेरे सामने आ, मेरे सामने आ, मैं कह रहा हूँ सामने आ, मैं जान ले लूंगा तेरी, सामने आ। तू डरपोक कहीं के? क्या वेंकी, तू तो सर पे चढ़ गया यार। अरे छोड़ यार, उसे हमने इतना सुना दिया इसलिए हम वहां से निकल पाए, अब हम अपनी जान बचा सकते हैं। अगर हम उसके साथ होते ना तो इस बात की पूरी गारंटी है कि हमारी जान चली जाती। यहाँ से लौटने के बाद वो यमुना के बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वो ऑफिसर के साथ भाग गई है ऐसा बोल देंगे। ए, रुको। चलो। वेंकी, श्रीधर, कृष्णा, कहाँ हो तुम लोग? वहां पर क्या हो रहा है चलो देखते हैं। वेंकी, कृष्णा, कहाँ हो तुम लोग? हमारी बाट लगी पड़ी है और ये हमारा नाम ले लेकर बुला रहा है, उसकी बात मत सुनना, बस भागते रहो।
बस यार अब मुझसे भागा नहीं जाएगा। एटलीस्ट इस टाइम पे हमारे डॉग्स हमारे साथ होते तो अच्छा होता। हाँ, यहाँ से निकलने में मदद मिलती हमें। उन पर भरोसा करने जैसा नहीं है यार, वो जंगली डॉग्स हैं। छोड़ना, उन्हें क्यों बुरा भला बोल रहे हो? अगर भगवान ने हमारी मौत इस जंगल में लिखी होगी ना तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। या तेरी मौत उस भगवान ने लिखी होगी, लेकिन मेरी मौत उस ऑफिसर ने लिखी है यार। हे प्रभु परमेश्वर, हे पालनहार, हे कर्ता धर्ता, हमारी रक्षा कर, हमें अपने घर पहुंचा दे। मैं तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा। ए भाई, इतनी आवाज क्यों कर रहा है? भूत आ जाएगा सुनकर। ये सब डर के मारे हो रहा है यार। कर, पर थोड़ा आराम से कर। आराम से बात कर सकते हैं, आराम से चल भी सकते हैं, पर ये आराम से नहीं कर सकते ना। मेरा पेट खराब हो गया है। ठीक है भाई, बात मत कर, चल जल्दी निकल, निकलते हैं। भाग भाग कर, थक गया हूँ यार, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। प्यास लगी है, पानी चाहिए? अब यार पानी कहाँ मिलेगा? फांसी देने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, यहाँ तो दो बूंद पानी भी नसीब नहीं है। बार बार मरने की बात मत कर, अगर दोबारा मरने की बात की ना तो तुझे इस जंगल में छोड़ के चले जाएंगे। लोग तो छोड़ दोगे, पर वो भूत हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अरे है, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ यार। ए, छोड़ यार इसे, क्यों मार रहा है? बेचारा पहले ही से डरा हुआ ये। देखना इसे, मुझे पानी पीना है, हम सब मर जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है यार। हाँ? कृष्णा, पानी यार। फिर पानी की बातें कर रहा है? ए, अरे यार, पानी बहने की आवाज आ रही है। पानी की कहाँ है? पानी कैसे भी करके पानी लाओ। हे, पानी की आवाज यहां से आ रही है। ठीक है, चलो। हे रोहित, हमारे स्कॉट डॉग। हाँ कृष्णा, आवाज यहीं से आ रही है। चलो चलो देखते हैं। हाँ, देखते हैं। रोहित, हमने बहते हुए पानी की आवाज सुनी थी ना, यहाँ तो पानी ठहरा हुआ है। ठीक है, चलो कहीं और ढूंढते हैं, वो पानी की धारा यहाँ कहीं भी हो सकती है। अरे मैं ऐसे नहीं भाग सकता यार, मैं यही धो लेता हूँ। रोहित, अगर हम फिर से पानी ढूंढेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यहीं पानी पीकर निकलते हैं यहाँ से। अरे मुझे धोने दो यार। ए श्रीधर, हमारे पानी पीने के बाद ही तू धोएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी पी लो। जा धो ले। ए, जल्दी धो ना। Oh!
श्रीधर श्रीधर वेंकी, खुद को संभाल यार, रो मत, प्लीज वेंकी, प्लीज यार। कैसे संभाल लूं यार खुद को, दो साल पहले हम एक ही थाने में काम कर रहे थे और अचानक से वो मुझे छोड़ के चला गया। श्रीधर वेंकी, रो मत यार, चल यहाँ से पहले निकलते हैं। चल कृष्णा, आजा आजा कृष्णा, आजा। आजा बैंकी, जल्दी जल्दी चल। रोहित, बैंकी, हे भगवान, हे भगवान। कृष्णा, हिम्मत मत हार, चल यार, इस जंगल में हमारे बहुत सारे साथी मारे गए यार, चल जल्दी उठ। नहीं हो रहा यार, पैर में बहुत मौत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, अब हम नहीं बचेंगे। नहीं बैंकी, ऐसा मत बोल, उठ जा कृष्णा, उठ जा, उठ जा, उठ कृष्णा, उठ, चल। कृष्णा, अरे ओके ना, तू इंग्लिश में बात मत कर, उसने इंग्लिश में ही बात कर करके हमें फंसा दिया। अच्छा चल यार, चल चल। कृष्णा, कृष्णा, ये रोहित, कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्णा, कृष्णा, रोहित, चलो चलते हैं। क्यों?
और अपना कृष्णा? रोहित, तुमने ध्यान दिया? जब भी अपना एक आदमी हमसे दूर हो जाता है तो यह पूरा जंगल शांत हो जाता है। चलो कृष्णा को ढूंढते हैं। कृष्णा, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, कृष्णा, नहीं, कहाँ है, कृष्णा, बचाओ कृष्णा, कृष्णा, बचाओ, कृष्णा, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, कृष्णा कहाँ हो? रोहित, कृष्णा, रोहित क्या हुआ? कृष्णा, मुझे बचा लो। वेंकी, मुझे यहाँ किसी ने पकड़ लिया है। सर, वेंकी, 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 हाँ वेंकी, ये क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसे? वेंकी, ला 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 ला,
फ्रैंकी। ये सर वेंकी 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 मैं शूट कर दूंगा, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम वेंकी? नहीं वेंकी, वेंकी नहीं नहीं नहीं, ऐसी हरकत मत करो। मैं शूट कर दूंगा वेंकी। नहीं वेंकी, तुम गलत कर रहे हो वेंकी। नहीं 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 वेंकी, मैं शूट कर दूंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं गोली चला दूंगा वेंकी। नहीं वेंकी, मैं शूट कर दूंगा तुम्हें, रुक जाओ वेंकी, रुक जाओ। नहीं नहीं वेंकी, गलत कर रहे हो तुम वेंकी, रुक जाओ वेंकी, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ वेंकी। वेंकी प्लीज वेंकी मत जाओ वेंकी। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ वेंकी, मैं शूट करूंगा। हट सर,
यहाँ से चले जाइए सर। प्रकाश Huh.